हेलो दोस्तों, गार्डन टेक्निक में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं अमरूद के पौधे के ऊपर एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, एयर लेयरिंग से अमरूद का दूसरा क्लोन तैयार कैसे करते हैं, सेम वैरायटी का दूसरा अमरूद का पौधा कैसे तैयार करें। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक पूरा देखना। सबसे पहले हम ऐसे जिस भी टहनी के ऊपर अपन एयर लेयरिंग करना चाहते हैं उस एयर लेयरिंग की टहनी के आसपास से लीफ हटा लेंगे। हटाने के बाद में उसके ऊपर चाकू से इस प्रकार से हम इसमें कट लगा लेंगे। लगभग 2 सेंटीमीटर का कट लगा करके उसके चारों तरफ से हम इस प्रकार से, जैसा ये मैंने उतारा है, इस प्रकार से उसकी छाल को उतार लेंगे। उतार करके और उसमें एकदम बहुत ही बारीक टाइप में एक लीफ होती है, उसको अपन थोड़ा घिस लेंगे चाकू से, ताकि उसकी वो दोबारा से रिकवर ना हो करके और अलग हो जाए उससे पूरी तरह से। उसके बाद में हम इसमें, मैं इस अमरूद के पौधे, ये थाईलैंड वैरायटी का गवावा प्लांट है, इसका मैं सेम वैरायटी के दूसरे पौधे दो इसके ऊपर दो एयर लेयरिंग तैयार करूँगा। ये पहला मैंने जो कर ही दिया है नीचे, दूसरा ये भी कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी हम वो सेम उसी तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। कट लगा करके और इसकी चारों तरफ से हम छाल को उतार लेंगे। छाल को उतारने के बाद में हम सेम उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अमरूद की वैरायटी चेंज नहीं होती है, दूसरा हमें कम समय में ही बड़ा पौधा तैयार मिल जाता है और अगले ही सीजन में इसके ऊपर फ्रूट वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद में आप इसको जब भी ये इसके ऊपर एयर लेयरिंग तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको इसका वीडियो अपलोड करूँगा दूसरा। ये मैंने इसके लिए सादा मिट्टी काम में ली है, जो पौधे की जड़ों में से जो मिट्टी है, खाद वाली है, उसमें देसी खाद मिलाया हुआ है। उसी मिट्टी को, हम गीली मिट्टी को काम में लेकर के पॉलीथीन थैली के साथ में हम इसके ऊपर बांधेंगे। वो आप देखें हम कैसे बांधते हैं, ठीक है उसी प्रकार से आप इसको बांध दें। इस प्रकार से हम इसको करके और इसको जहाँ से अपने कट लगाया था उस कट के ऊपर वाले साइड में हम इसको पॉलीथीन थैली को चारों तरफ से बांध लेंगे। बांधने के लिए हम इसको रस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं, और रस्सी के अलावा हम इसमें प्लास्टिक टेप का भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसमें बांध के, और मैंने इसमें प्लास्टिक टेप लगाया है। प्लास्टिक टेप को दोनों साइड से इस प्रकार से इसको बांधें कि इसमें वो कहीं से भी एयर नहीं निकले, और इस हमें जो मिट्टी है, मिट्टी इसमें से ऐसे दिखनी चाहिए थैली प्लास्टिक पॉलीथीन में से, ताकि हम भविष्य में जब भी इसमें रूट्स वगैरह ग्रो होंगी तो हमारे को आसानी से इसमें से दिख जाएं कि इसमें हमारा जो एयर लेयरिंग है वो सक्सेस हो गया है, तो हम इसको इससे अलग करके और दूसरी जगह पे प्लांट कर सकें इसको। इस प्रकार से हमारे को ये पॉलीथीन जो थी जो थैली है इसको कवर करना है। कवर करने के बाद में कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर जो गिलहरी टाइप के और ऐसे जो हैं वो क्या करते हैं, इसको ये समझ करके ही इसमें कुछ है खाने का, तो ऐसे सोच करके इसको काट देते हैं। तो इसके ऊपर एक थैली और आप इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे क्या है इसकी सुरक्षा अच्छे से रहेगी और इसको इसमें नमी भी बनी रहेगी। डबल थैली इसके ऊपर लगा देंगे। इस प्रकार से देखो ये मैंने दोनों एयर लेयर तैयार कर दी हैं। ये ऊपर से लगभग 5-5, 4-4 फीट की है, और अभी डायरेक्टली हमारे पास 5 फीट या 4 फीट का पौधा तैयार हो जाएगा जब हम इसको नेक्स्ट टाइम पे हम आपको इसको अपडेट वीडियो आपको इसको दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप भी इसको ऐसे अपना करके और वीडियो ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं।